गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब क्या बताते हैं, परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में लिखा है साधनाओं को करने और ना करने के लिए। श्री मद भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक वर्णन आया है कि कोई साधना करता है, देवताओं की यज्ञ करता है, पूजा करता है, अनुष्ठान करता है, और कोई केवल आसन करता है, कोई प्राण अपान यानी प्राणायाम ही करता रहता है, और कोई घोर तप को तपता है, कोई स्वाध्याय करता है जैसे गायत्री मंत्र के रूप में उसका रट्टा लाए जाते हैं, या कोई गीता जी के कुछ पाठ पढ़ लेता है उसको स्वाध्याय बोलते हैं, कोई वेदों के कोई मंत्र बोल लेता है, ऐसे स्वाध्याय करते हैं, और सब अपनी अपनी साधना को पाप नाश करने वाली जानते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवद् गीता के 4th अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इस धार्मिक अनुष्ठानों यानी यज्ञों की जानकारी ब्रह्मण मुखे सचिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चारित उस वाणी में, अमर वाणी में, कबीर वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। वो तत्व ज्ञान है, उसको जानने के बाद सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। फिर 4th अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ और उनको प्रणाम करने से वो तत्वदर्शी संत आपको परमात्म तत्व का ज्ञान बताएंगे। यानी उस सच्चिदानंद घनदन की वाणी में तत्व ज्ञान के अंदर वो विस्तार से कही गई है कि कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए। तो सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी आपको सुनाते हैं, उसमें क्या बताया है। अब परमात्मा कबीर देव जी ने हमें ज्ञान दिया है, उसको तत्व ज्ञान बोलते हैं। उसमें क्या कहा है, सट दर्शन सट बेख कहा मैं, बोविद धूंधू धार मचावे, ये तीर्थ व्रत करें तर बीता, वेद पुराण पढ़त है गीता। अब क्या बताते हैं, सट दर्शन ये जैसे गिरी पुरी नाथ वैष्णो नागा, ये 6 प्रकार के पंथ हैं, इनको सट दर्शनी कहते हैं, सट दल भी इन्हीं को कहते हैं। क्या बताया कि सट दर्शन सट भेक कहाँ है, सट माने 6, बहुविध धुन धुन धार मचावे, कहते इनकी क्रियाएं देखे तो ऐसा दिखे इन जैसे संत नहीं, इन जैसे साधक नहीं, कोई खड़ा होकर तप कर रहा है, पैरों में जख्म हो गए, सोजस आ गई है, उनमें जख्म हो गए, कीड़े पड़ गए और फिर भी खड़े हैं। कुछ चारों तरफ 5 धुने लगा लेते हैं, अग्नि जला लेते हैं, बीच में बैठ जाते हैं, जून के महीने में हरियाणा पंजाब राजस्थान में भयंकर गर्मी वैसे ही गिरती है, तो आम व्यक्ति ये सोचता है कि वे कमाल कर रखे महात्मा के चाड़ा है, तो ओहो कैसी साधना कर रहे हैं भाई, बहुत हद कर दी, इनको ही प्रभु मिलेगा। कोई तपस्या करते हैं, ऊपर न पैर करके नीचे न सिर कर लिया करते हैं, शिरासन करते हैं, कोई निराहार रहते हैं, कोई फल फल खाते हैं। अब इनको और देखकर ऐसा लगता है कि इन तो कति कमाल कर रखे है, साधना कर रहे हैं कमाल की। फिर कहते हैं और तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़त है गीता, यो भी बैदा है, किस कारण से बैदा माने व्यर्थ है, यूजलेस है, किस कारण से है के 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिनों नहीं निज नाम बिचारे,
माला घाल हुए हैं मुक्ता सट दल उआ बाई बकदा। अब कितना कमाल कर दिया है दो अमृतवाणियों में परमात्मा ने के सट दर्शन सट भेख कहाँ वे गिरी पुरी नागा सन्यासी वैष्णो कहते सट दर्शन ये नाथ सट दर्शन सट भेख कहाँ वे बहुविध धुंध उधार मचाव ढूंढा ठार खैन भक्ति का और तीर्थ व्रत करें तरबीता और फिर वेद पुराण पढ़त हैं गीता वेदों को पढ़ लिया श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ लिया हैं और पुराणों को पढ़ा। अब जैसे और फिर साधना क्या करते हैं कहते चार संप्रदा बावन द्वारे जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे इनके पास निज नाम नहीं है निज नाम पर विचार नहीं किया जिस कारण से इनकी साधनाएं व्यर्थ होगी। जैसे ये श्री कृष्ण जी के पुजारी और गीता जी को सिरोधार्य मानते हैं और कहते हैं भगवान के द्वारा दिया गया ये अद्वितीय संदेश मानव समाज को है जो अर्जुन के माध्यम से दिया गया और स्वयं नाम क्या जाप करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे श्री राधे। गीता जी में कहीं लिखा इस नाम के जाप करने का और फिर ज्ञान बताते हैं श्री कृष्ण जी सर्वेश्वर है जगत गुरु है अखिल ब्रह्मांड का स्वामी है ये उवा बाई है इनकी ये सर्वेश्वर हैं अजर हैं अमर हैं। अरे श्री कृष्ण का तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इनकी जन्म हुआ और मृत्यु हुई और फिर भी इसको पूर्ण ब्रह्म बतावें अजर अमर बतावें जगत प्रभु बतावें। भगवान कभी जन्मता मरता नहीं और जन्मता मरता भगवान नहीं चाहे वो यहाँ भी आए पृथ्वी पर लीला करने के लिए वो कभी जन्मता मरता नहीं ये पहचान है प्रभु की। परमेश्वर कबीर देव जी सन 1398 में इस कलयुग में सह शरीर आए थे नवजात शिशु का रूप धारण किया था और धीरे धीरे लीला में शरीर से बड़े हुए वो लीला मालिक की वेदों में प्रमाण है वो ऐसा ही करता है और फिर अपना तत्व ज्ञान प्रचार करके 120 वर्ष तक पूरे लगभग 64 लाख शिष्य हो गए थे प्रभु के उनका धारण पोषण करके धारण पोषण में उनको भक्ति से परिपूर्ण करके और वो परमात्मा सह शरीर आए थे सह शरीर मगर से चले गए थे उनकी मृत्यु नहीं हुई थी उनका शरीर नहीं मिला था। आकाश में आवाज लगाई परमात्मा ने आकाशवाणी की कि देखो मैं जा रहा हूँ पंडितों तुम कहा करते कि मगर में मरने वाला गधा बनता है वो स्वर्ग नहीं जा सकता मैं स्वर्ग से भी ऊपर जा रहा हूँ। तब सब ने ऊपर देखा परमात्मा सह शरीर जा रहे थे और उनके शव के स्थान पर सुगंधित फूल मिले थे। आज भी मगर के अंदर ये प्रमाण शेष है यादगार वहाँ पर अवशेष बचे हैं यादगार बनी हुई है हिंदू और मुसलमानों ने क्योंकि परमात्मा दोनों के ही प्रतिनिधि थे दोनों धर्मों के हिंदुओं ने आधे फूल ले लिए मुसलमानों ने आधे फूल ले लिए ऊपर नीचे एक एक चद्दर थी एक एक चद्दर ले ली उन्होंने अपने अलग अलग से हिंदू और मुसलमान रीति से अपना अपना वहाँ पर यादगार बना रखी है उन परमात्मा के सुगंधित फूलों को नीचे दबा कर आज भी प्रमाण है। तो क्या बताते हैं तीर्थ व्रत करें तरबीता वेद पुराण पढ़ते हैं गीता तीर्थों पर जाते हैं अपने अनुयायियों को भी सलाह देते हैं। तो परमात्मा कहते फिर इन सदग्रंथों को जाना कहाँ ये तो उवा बाई बकते हैं क्या कहते हैं चार संप्रदा बावन द्वारे जिन्हों नहीं निज नाम बिचारे ये माला घाल गल में माला डाल के साधु बन के दिखावे भगत का रूप बनाते हैं संत का माला घाल हुए हैं मुक्ता सटदल उवा बाई बकदा उवा बाई बक रहे हैं ये इनको कोई ज्ञान नहीं इनको ज्ञान कहाँ से होगा श्री ब्रह्मा जी को ज्ञान नहीं श्री विष्णु जी को ज्ञान नहीं नारद और व्यास जी को ज्ञान नहीं सतयुग के ऋषि ब्राह्मणों को ज्ञान नहीं दुर्गा को भी अध्यात्म भी कंप्लीट पूर्ण ज्ञान नहीं
ब्रह्म को भी, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता को भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, कंप्लीट ज्ञान नहीं आध्यात्मिक, तो बताओ और किसको होगा? केवल पूर्ण परमात्मा को। पूर्ण परमेश्वर ही अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है, और उसी परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आकर के अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ज्ञान दिया था। अब आपको ये प्रश्न तो दास ने वचन बोला है कि ना श्री ब्रह्मा जी को ज्ञान, ना विष्णु जी को ज्ञान, ना दुर्गा को ज्ञान, ना ब्रह्म को ज्ञान, ये एक कुनीन है। और हम रोगी हैं, इस कुनीन को खाना अनिवार्य है, और इस कुनीन को यानी इतनी कड़वी औषधि है कि ये कहना कि ब्रह्मा विष्णु और दुर्गा आदि को ज्ञान नहीं था, शिव जी को भी ज्ञान नहीं था, सतयुग के ब्राह्मण ऋषियों को ज्ञान नहीं था, तो ये तो और ज्यादा कड़वी हो जाती है। अब कड़वा लगे सो मीठा होई, हमारी बात सुन लेगा जोई। कबीर परमेश्वर ने कहा था गोरखनाथ जी से कि गोरखनाथ मैं सबका गुरुआ, मैं सबका गुरु हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश तक मैंने ही उनको ज्ञान दिया है, लेकिन मेरी बात उन्होंने मानी नहीं। काल प्रेरणा से हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव, और सो हम मंत्र हमने दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव, क्योंकि शिव का उपासक था गोरखनाथ जी, शिव जी के उपासक थे। लेकिन गोरखनाथ ने कहा कि तुम्हारा वचन लगे मोह कड़वा। कबीर जी से कहते हैं गोरखनाथ जी कि आपने तो ये कहा कि मैं सबका गुरु हूं, सबको तत्व ज्ञान बताता हूं। गोरखनाथ जी कहते हैं तुम्हारा वचन मोह लग गया कड़वा, अच्छा नहीं लगता, आप ये गलत बोल रहे हो। तब परमात्मा ने कहा भाई कड़वा लगे सो मीठा होई, हमारी बात पतीजे जोई, यानी हमारी बात पर प्रतीत कर लेगा, विश्वास कर लेगा, तो ये कड़वा लगे है ना ये मीठा हो जाएगा। तो अब इसको मीठा बनाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नारद व्यास सतयुग त्रेता द्वापर के ऋषि कलियुग के, कलियुगंग आदि जकर ऋषियों का जब सतयुग वाला ना पता, ये तो अंडरस्टूड होता है। आप दिखाते हैं, आपको एक प्रमाण देते हैं। पुणात्माओं, आप विद्यार्थी हैं और आप जी ने इस ज्ञान को, इस सिलेबस को तब तक पढ़ना है, सुनना है, जब तक आप स्कूल विद्यालय छोड़कर नहीं जाते। आप ये आध्यात्मिक स्टूडेंट हैं और ये एक विद्यालय है, और जब तक आपका जीवन है तब तक आप विद्यार्थी हैं। जब ये स्कूल छोड़कर, शरीर छोड़कर जाओगे, तब आप यहाँ से फिर इस सिलेबस की आपको एग्जाम में आवश्यकता पड़ेगी। जब शरीर छोड़कर जाओगे आपका एग्जाम होगा त्रिकुटी का ऊपर है, जैसा रिहर्सल जैसा अभ्यास आपने यहां किया है, कल भी बताया था सत्संग में, तो वहां होगा। तो आपको ये ज्ञान, ये सिलेबस जब तक आप परीक्षा में नहीं बैठ लेते तब तक इसको रह रहकर रिपीट करना पड़ता है और करवाना पड़ता है टीचर ने, और आप जी ने भी उसको घोटना पड़ता है। तो वही उसी दृष्टिकोण से आप ये लेक्चर अर्थात ये प्रवचन सुनते रहिए, और इनको बहुत रुचि से सुनना, याद रखना, क्योंकि ये याद रहेगा तो आगे परीक्षा में आपका काम आओगा। आपको दिखाते हैं श्री मद देवी भागवत इस बात का स्वयं निर्णय कर रही है कि ना तो ब्रह्मा जी को ज्ञान, ना विष्णु जी को आध्यात्मिक ज्ञान, और ना नारद और व्यास जी को, और न ही दुर्गा को कंप्लीट ज्ञान, ना ब्रह्म को ज्ञान है। अब देखिएगा, यह है श्रीमद देवी भागवत अर्थात दुर्गा पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। देखिएगा इसके 28-29 पृष्ठ पर हम आपको दिखाते हैं, प्रथम स्कंद में, पहला स्कंद 28 पृष्ठ पे। ये नारद जी और व्यास जी की गोष्ठी हो रही है। व्यास जी ने कोई प्रश्न किया तो नारद जी ने कहा महाभाग व्यास जी
तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने, यानी ब्रह्मा जी ने, नारद जी के पिताजी ब्रह्मा जी हैं, मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, विष्णु जी की महिमा नारद गा रहा है कि सभी देवताओं के भगवानों के भी भगवान हैं, जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौष्ठमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, चार भुजाएं हैं। ये स्पष्ट हो गया कि विष्णु जी के विषय में है, वे त्रातर जगत के आश्रयदाता हैं। देखो कैसी गप्पे मार रहे नारद, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं, जगत गुरु लिखा विष्णु जी को। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी, यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये सारे न्यू डले डोए हैं, देख लेना। अतः उन्हें देखकर उनसे जानने की इच्छा प्रकट की ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभो विष्णु जी से, आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं, भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना, यानी किस भगवान की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर, यानी भगवानों के भी मालिक, देवताओं के भी मालिक एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी ने ये वचन बोले, कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम हमें राजसी शक्ति का संचार हुआ। अब यह भी प्रमाण हो रहा है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, और हुआ मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। आगे देखो, सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ, अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और यहाँ कहते हैं, आगे कमाल कर दिया है, मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के, देवी के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में, मेरे स्पिरिचुअल नॉलेज में, मेरे आध्यात्मिक जानकारी में जितना मुझे पता है, इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं, कोई भगवान नहीं, इस तो ऊपर मैं नहीं जानता। जो बोले श्रद्धालु, श्री कृष्ण जी को जगत गुरु बताते हैं, अखिल ब्रह्मांड के नायक बताते हैं, सर्वेश्वर बताते हैं, हैं? तो उनकी बुद्धि बालक जैसी है, बालक जैसी, कैक है नहीं पता उसको। तो परमात्मा ने कहा है, माला गाल हुए हैं मुक्ता, ये सट दल उवा बाई बकदा, उवा बाई बक रहे हैं। अब विष्णु जी तो कह रहा है कि मैं तो दुर्गा तो ऊपर कोई भगवान नहीं जानता, मैं तो सर्वशक्तिमान सबसे ऊपर मालिक, और यही सर्वशक्तिमान सब कुछ यही है मेरी, तो मैं इसी की पूजा करता हूँ। अब दुर्गा क्या कहती है, हिमालय को उपदेश देते हुए दुर्गा कह रही है कि हिमालय को कहती है, पहले तो उसने बताया कि मेरी पूजा अगर तू करना चाहता तो ऐसे ऐसे कर, लेकिन यह मोक्षदायक नहीं है।
फिर उस ब्रह्म की क्या विषय में जानकारी दी जाती है? ब्रह्म के विषय में केवल ओम नाम जाप कर ब्रह्म पाने का उद्देश्य रख, इससे तू ब्रह्म लोक में चला जाएगा और सब बातें छोड़ दे, अपनी मेरी पूजा भी त्याग दे, यानी सब पूजाएं छोड़कर केवल ब्रह्म साधना कर और ब्रह्म लोक में चला जाएगा, जहां पर वो ब्रह्म रहता है ब्रह्म लोक में। अब आपके रूबरू कराते हैं सदगुरु को। ये देखिएगा, ये सातवां स्कंद है देवी भागवत का, श्रीमद देवी भागवत यानी दुर्गा पुराण का 562 पृष्ठ पे यहां आइएगा। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, दुर्गा कहने लगी, पर्वतराज हिमालय को कहती है, पहले तो अपने बारे में बताया, फिर कहती है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है। यह देखिएगा, वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो, जो परम प्रकाश रूप, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक, उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वह अक्षर ब्रह्म है। अब देखो दुर्गा को क्या ज्ञान है, ब्रह्म को कहीं तो अक्षर ब्रह्म कह रही है, कहीं ब्रह्म बोल रही है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन ब्रह्म है, सर्वपुरुष, सर्वब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। ये ब्रह्म को ही कभी अक्षर ब्रह्म बोल रही है, कभी कुछ कह रही है। ये आध्यात्मिक ज्ञान देखना दुर्गा का, वही यह अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है, वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ, यानी केवल उसकी पूजा करो। उसके लिए क्या बता है कि परवण ओम तो उसका जाप है, जीवात्मा जाप करे, यानी परवण ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म उसका लक्ष्य है। यहाँ ब्रह्म कह दिया, वहाँ अक्षर ब्रह्म कह रही थी, इसके ऊपर भी अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो, यानी कहने का भाव है कि जीवात्मा ओम का जाप करे, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखे, नथिंग एल्स। आगे देखना, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे, यानी किसी की पूजा नहीं करनी, मेरी भी नहीं करनी, दुर्गा कह रही, और यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का यानी उस परमात्मा का, ब्रह्म का, ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम का जाप कर ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य रख, इससे दुर्गा का ज्ञान ब्रह्म तक सीमित है और विष्णु का ज्ञान दुर्गा तक सीमित है। अब दुर्गा आगे क्या बता रही है, वह यह सबका आत्मा यानी परमात्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अपुण्य आत्माओं, श्री ब्रह्मा जी के ज्ञान का पता लग गया, वो विष्णु जी को जगत गुरु बतावे, सौर्य ब्रह्मांड का मालिक बतावे, अखिल ब्रह्मांड का स्वामी बतावे, और व्यास जी नारद से पूछ ही रहे हैं, नारद और व्यास का ज्ञान आपके समक्ष है, वो भी कह रहा है कि मैंने अपने पिताजी से सुना था। अब विष्णु जी के ज्ञान का पता लग गया और देवी के ज्ञान का भी आपको पता लग गया, वो ब्रह्म से ऊपर नहीं जानती, ओम उसका आखिरी मंत्र है और ब्रह्म उसका अंतिम इष्ट बताया गया है। अब आपको एक झलक दिखाते हैं, और ब्रह्म क्या बताता है, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है। श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये प्रेत की तरह प्रवेश कर जाता, जैसे कल आपको विष्णु पुराण में दिखाया था कि ये काल क्या करता है, ब्रह्म कैसे लीला करता है, सबके समक्ष नहीं आता,
इसके कर्म दिव्य कैसे हैं और जन्म दिव्य कैसे हैं, ये दूसरे के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके और जो भी उवा बाई कहनी है वो कह जाता है और जो भी जुल्म करवाना है वो करवा देता है। इसने कहा कि जब देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो गया, राक्षसों से देवता हार गए, फिर देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति करी, विष्णु रूप में ये ब्रह्म पहुंच गया और इसने कहा कि मैं उस पुरंजय के शरीर में प्रवेश होकर राक्षसों ने मार दूंगा, तुम पुरंजय को युद्ध के लिए तैयार कर लो। फिर एक बार नागों का और गंधर्वों का युद्ध हो गया, गंधर्वों ने नागों के सब कीमती सब वस्तुएं लूट ली, तब नाग ये प्राणी नहीं, सर्प नहीं, एक गोत्र है नाग, उनका ग्रुप है नागों का, यानी मनुष्य है वो, तो उन नागों ने भगवान विष्णु की स्तुति की, युकाल विष्णु रूप में पहुंच गया और उनसे कहा कि तुम प्रकुत्स को युद्ध के लिए तैयार करो, मैं उसमें प्रवेश करके और गंधर्व का नाश कर दूंगा। ये ऐसे जुल्म करता है, ऐसे गुप्त कार्य करता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तदम देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है और जो अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ श्री त्याग कर जाता हुआ सुमन करता हुआ श्री त्याग कर जाता है, स प्रयाति तदन देहम स याति परमाम गतिम, वह ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से क्या मिलता है, ब्रह्म लोक में चला जाएगा जहां ये काल रहता है ब्रह्म लोक में। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी लोग पुनरावर्ती में है, वहाँ गए हुए प्राणी भी जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, स्थिर नहीं है। वहाँ जाने के बाद वापस आना है तो ये मुक्ति अच्छी नहीं है, इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि अर्जुन ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी, लेकिन ये मेरी अनुत्तम साधना में लीन है, घटिया साधना में। इसलिए इसने कहा कि 4वें अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, 2वें अध्याय के गीता जी के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2वें श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त प्राणी भी जन्म मृत्यु से सदा के लिए मुक्त नहीं हो सकता, पूर्ण मोक्ष प्राप्ति नहीं होती, पूर्ण उसका दुख दूर नहीं होता। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में बताया है कि जिस तत्वदर्शी संत के पास जाने को 4वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, उसकी पहचान बताते हुए कहा कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी जैसे जड़ तो आदि पुरुष परम अक्षर ब्रह्म है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये तो बता दी गीता ज्ञानदाता ने। कहते और बीच के सभी पार्ट्स को जो संत बता दे सह वेद वित्त वह तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य को जानने वाला। उसके पश्चात 4वें श्लोक में कहा कि 15वें अध्याय के गीता जी में कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर पुनः पृथ्वी पर नहीं आता, जन्म नहीं लेता। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा और उस परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की पाने का कौन सा मंत्र है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का, परम अक्षर ब्रह्म के पाने का, पूर्ण मोक्ष कराने का यह 3 मंत्र का जाप है, ओम तत् सत। ओम तो सीधा है, तत् और सत ये गुप्त हैं, सांकेतिक वर्ण हैं, ये शब्द हैं, इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में कोई नहीं बता पाएगा आपको, और इस दास से सुनकर भेद लेकर कोई नकली झूठा कपटी ये आगे किसी को नाम बताता है वो अपना जन्म व्यर्थ कर रहा है, क्योंकि वो अधिकारी ना होने से
परमात्मा का द्रोही है और जो उससे उपदेश प्राप्त करेंगे उनका भी वो जीवन नाशक है। तो इस तीन मंत्र के नाम के जापते सचिदानंद घन ब्रह्म की प्राप्ति होगी और पूर्ण मोक्ष होगा। इसके से स्पष्ट हो गया ना नारद जी को ज्ञान कंप्लीट नॉलेज, ना व्यास जी को हु इज द राइटर ऑफ पुराण वेदाज गीता जी, यानी ये सब का राइटर होते हुए भी इसने खुद ज्ञान नहीं, क्योंकि ये राइटर कैसे बनते हैं, काल के हाथ में रिमोट है, इसकी दिव्य दृष्टि खोल दी, पीछे घटी हुई घटनाओं को, जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले हुई रामायण की घटनाओं को अपने सिंपल लैंग्वेज में चौपाइयों में पुनर्लिख दिया तो उसकी वो दिव्य दृष्टि खुल गई। तो ऐसे वो पिछली घटनाएं हमारे सबके अंतःकरण में फीड होती हैं, जैसे इंटरनेट पर कोई हमने मैटर छोड़ दिया है तो सबके टेलीविजनों में आ जाएगा, वो जिसका वर्किंग में है वो ऑन हो जाएगा, जिसका वर्किंग में ठीक नहीं है, है उपलब्ध उसमें लेकिन वो देख नहीं पा रहा, वो अलग बात है। तो ऐसे ये आध्यात्मिक ज्ञान है, इससे जो परिचित हो जाएगा उसका मोक्ष होता है। अब ना व्यास जी को ज्ञान, ना ब्रह्मा जी को ज्ञान, ना विष्णु जी को ज्ञान। विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर कोई देवता नहीं जानता मेरी जानकारी में, यानी मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में। और इसको जगत गुरु बतावे कृष्ण जी कोचे विष्णु जी सटदन उवा बाई बकदा, ये उवा बाई बकते हैं ये आध्यात्मिक ज्ञान ना होने से। और दुर्गा जी कहती है कि ब्रह्म से ऊपर कोई भगवान नहीं, ब्रह्म की पूजा करो, ओम उसका नाम है और ब्रह्म लोक में चले जाओगे जहां वो रहता है। और ब्रह्म कहता है कि नहीं, उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्व ब्रह्म की जानकारी दी है कि जो व्यक्ति मेरे ज्ञान पर आधारित हो जाता है, तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, फिर वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने बुढ़ापा। वो व्यक्ति जो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, यहाँ इस संसार की किसी वस्तु की मांग नहीं करते, इच्छा नहीं रखते, वो उस ब्रह्म को जानते हैं, तत्ब्रह्म को, और सारे अध्यात्म ज्ञान को समझ चुके हैं और सब कर्मों से परिचित हो चुके हैं। तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है। फिर 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता ज्ञानदाता से कोई और शक्ति है, परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, जैसे सर पुरुष को सर ब्रह्म भी कहते हैं, अक्षर पुरुष को अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं और परम अक्षर पुरुष को परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में इन तीनों प्रभुओं की जानकारी है। सर पुरुष कहो चाहे सर ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो, जैसे दुर्गा कह रही है हिमालय को ज्ञान देते समय 7वें स्कंद में कि उस अक्षर ब्रह्म है, उसको कभी उसको ब्रह्म कह रही है कभी अक्षर ब्रह्म कह रही है, ये ज्ञान नहीं इसको बिल्कुल भी। जबकि हमारे सदग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता ये प्रमाणित शास्त्र है, वेदों का सारांश है, और वेद और ये गीता जी, जितना वेदों से गीता जी में ज्ञान मिलता है वो सही है, बाकी कुछ इस काल ने अटकल लगाई है अपना युद्ध कराने के लिए, वो इसकी अपनी इसका अपना मत है, वो स्वयं भी कहता है कि ये तो मेरा मत है और बाकी वेदों का ज्ञान है। तो हमने उस जो वेदों के ज्ञान से, वेद और गीता जी में वेद ज्ञान जितना है ये बिल्कुल सत्य है, और सूक्ष्म वेद के अंदर इन वेदों और गीता जी और पुराणों से भी अलग एक विशेष विस्तृत जानकारी है जिसको सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कही है। गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि मेरा एक ओम अक्षर है बस जाप करने का और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, ये हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, गीता पढ़े वेद पढ़े पर भेद ना जाने, अरे बांचे पुराण 18, गीता जी को सिरोधार्य बताते हैं और गीता जी के विरुद्ध नाम जाप करते हैं। गीता जी में कहीं भी प्रमाण नहीं है कि वेद हरे कृष्ण या राधे श्याम का जाप कर लो, हरे राम हरे कृष्ण कर लो, तो ये भ्रमित प्राणी हैं, उवा बाई बकते हैं, अपना जीव नष्ट कर रहे हैं और श्रद्धालुओं को भी बर्बाद कर रहे हैं।
अब यहां गीता ज्ञानदाता कहता है मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विभारण माम अनुसमरण, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। आठवें अध्याय के पांच और सात में कहा है कि मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर, तो मुझे प्राप्त होगा, ब्रह्म लोक में आ जाएगा। आठवें अध्याय के सोलहवें श्लोक में कहा कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में है, ये पूर्ण मुक्त नहीं होते। आठवें अध्याय के आठ और नौ दस श्लोक में तीनों में बहुत अच्छे ढंग से इस गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि उस सचिदानंद घन ब्रह्म की, परम अक्षर ब्रह्म की जो साधना करता है उसी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, भक्ति की साधना से उसको प्राप्त होता है। मेरी साधना करता ओम नाम के जाप से मुझे प्राप्त होता है, और सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, परम अक्षर ब्रह्म की जो वाणी है, परम अक्षर ब्रह्म के बारे में जो जानकारी है वो परमेश्वर के ही ज्ञान में, उनके मुखारविंद से उच्चारित ज्ञान में है। सत्रहवें अध्याय के तेईसवें श्लोक में कहा कि वो ओम तत् सत इस तीन मंत्र के जाप का, उस सचिदानंद घन ब्रह्म के पाने का निर्देश है और कोई मंत्र नहीं। तो ओम ब्रह्म का, सर्वब्रह्म को जैसे ब्रह्म बोलो, सर्वब्रह्म का सर्वपुरुष का, और तत् सांकेतिक ये अक्षर ब्रह्म कहो चाहे अक्षर पुरुष कहो। गीताजी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन प्रभु हैं, सर्वब्रह्म, सर्वपुरुष, अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो। और फिर बताया कि इन सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष इन दोनों के लोकों में जितने भी प्राणी हैं और ये स्वयं ये नाशवान हैं, जीवात्मा सभी की अविनाशी होती है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते ये लोक तरमाविश्य विवर्ति अवैश्वर है। फिर कहा कि इन दोनों से 16वें श्लोक में जो सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष, सर्वब्रह्म और अक्षर ब्रह्म जिनके बारे में कहा गया है, इनसे अन्य है वो परमात्मा जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी संसार रूपी वृक्ष का जो मूल है, जड़ है, वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। और उसके पाने का मंत्र ओम तत् सत, तीन मंत्र का है, तत् और सत ये सांकेतिक है, ओम तत् सत, ओम तत् सत ये मंत्र नहीं है। और उसके पाने का ये मंत्र है, उसकी साधना करने से उसके पास चले जाओगे। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता, उसकी पूर्ण मोक्ष हो जाता है और सब पूजाएं त्याग दे। गीता ज्ञानदाता भी कहता है केवल उसी की पूजा करो जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। अब आपको दिखाते हैं, ये तो होगा क्लियर कंसेप्ट कि ना ब्रह्मा जी ने ज्ञान, ना विष्णु जी ने, शिव जी ने तो ना कहा, ये तो वैसे ही इनसे बहुत बाद में ज्ञान प्राप्ति नहीं से करता है, और ना दुर्गा को ज्ञान और ना ब्रह्म को कंप्लीट ज्ञान, उसने ऑप्शन छोड़ दिया कि उस परमात्मा के लिए तो तत्वदर्शी संतों की खोज करो। अब सतियों के ब्राह्मणों को कितना ज्ञान था, जब सतियों के ब्राह्मणों को ही ज्ञान नहीं था तो पुण्य आत्माओं कलयुग वालों को से तो आप अंडरस्टूड हो जाओगे वो ये के सांग है। अब देखो 414 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको, यही श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसके 414 पृष्ठ पर हम पढ़ेंगे, छठा स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ। जन्मेजय ने पूछा महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, व्यास जी बता रहे हैं जो राइटर हैं इसका पुराणों के, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। हाय हाय, इन्हों के वेद के पूर्ण विद्वान थे, सतयुग के ब्राह्मण को चाहे ऋषि को इन्हें, और दुर्गा की पूजा करा करते हुए टट्टू ज्ञान था वेदों का, वेदों में की तो दुर्गा की पूजा का कितना प्रावधान है ना गीता जी में, न्योमूर्ख बना रखे हमारे को। व्यास जी कह रहे हैं सतयुग के ब्राह्मण बड़े वेद के पूर्ण विद्वान थे, ये खाक विद्वान थे, कहते हैं उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी।
भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायत रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, यह इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। अब मंदिरों का लठीनंद गढ़वारा क्या सतयुग से प्रयत्नशील है, भगवान की साधना शास्त्रविद प्रारंभ करवा दी इन्होंने। अब यहाँ बताते हैं, धर्म की यही स्थिति त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। कलयुग के ब्राह्मणा का तो आ गया अंत, के जो सतयुग त्रेता द्वापर में जिन राक्षस कहा करते उस कैटेगरी के तो वर्तमान के ब्राह्मण हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्मों से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी आपको फिर सुनाते हैं, आसानी से समझ में आएगी और अच्छी लगेगी। अवगत महल की सुन बात, एकाएक संग ना साथ, जहां से हुआ सकल जिहान, ओंकार पंच विमान, ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि, अवगत ध्यान सुन समाधि, कृत्रिम ख्याल बाजी कीन, पांचों तत्व हैं गुण तीन, ना दुर्बिंद की है दे जामे ब्रह्म कर्म संधि, पांच पचीस तीनों माही, आवागमन हंसा जाही, माया मूल का है बास, जोरा काल हंस गिरास, हंसा कौन विधि छूटे, कि जोरा काल तिसे लूटे। अब परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, ईरे माणिक मोती बरसे और ये जग चुगता ढेल डले। यानी शास्त्र विदिता का मनमानी पूजाएं, पूर्ण ज्ञान ना होने से आन उपासनाएं करते हैं, ये हीरे मोतियों के स्थान पर कंकर लिए बैठे हैं और सोच रहे हैं कि हमने हीरे मोती रूपी सत साधना का धन इकट्ठा कर रखा है। अब क्या बता रहे हैं, अनसा कौन विधि छूटे, के जोरा काल तिसे लूटे। ये जीव कैसे छूटे बेचारा, काल और ये दुर्गा इनको मिलकर भ्रमित कर रहे हैं, इनको यहाँ एक षड्यंत्र के तहत रोक रखा है। पुनात्मा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3 से लेकर 5 में ये गीता ज्ञान दाता काल ब्रह्म कहता है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। दुर्गा प्रकृति को दुर्गा भी कहते हैं, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। दो रूप बताए हैं प्रकृति के, दो स्थिति हैं। सातवें अध्याय के 1, 2, 3, 4 श्लोक में स्पष्ट किया है कि एक तो प्रकृति है या जो दुर्गा, एक प्रकृति है ये 5 तत्व 3 गुण 8 मिलाकर, ये भी प्रकृति बोलती है। लेकिन प्रकृति यहाँ जो चेतन प्रकृति दुर्गा का जिक्र है। ताजी अध्याय 14 के श्लोक 3, 4, 5 में कहा कि प्रकृति तो मेरी पत्नी है और मैं इसके पेट में बीज स्थापना करता हूँ जिससे सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। और प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये सभी प्राणियों को कर्मों के बंधन में बांधे रखते हैं, जकड़े रखते हैं, यहाँ से छूटने नहीं देते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1, 2, 3 और 4 में प्रमाण दिया है कि ये तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु रूपी शाखा हैं और ये जीव को कर्मों के बंधन में फंसाए रखने की मुख्य है, मूलानी ये जड़ है या बांधे रखने की। अब काल ने, गीता ज्ञान दाता ने तो पल्ला झाड़ दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को दोषी बना दिया कि ये तुम्हें फंसा कर रखते हैं, तुम्हें यहाँ से मुक्त नहीं होने देते। लेकिन परमेश्वर ने बताया है कि ये गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। परमात्मा
अब जैसे आपको बताया कि चारों युगों में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे यूं जग जगता ढेल रे, यानी परमात्मा कबीर जी से परिचित, उनका साक्षात्कार करने के उपरांत आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला जद्दर हरियाणा प्रांत में, उन्होंने फिर अपनी परमेश्वर की महिमा में कलम तोड़ व्याख्या की है बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी से प्राप्त ज्ञान के आधार से। क्या कहा है कि ये तीन, तुम अब काल ने तो अपने आप को बरी कर लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को दोषी बता दिया, 14वें अध्याय गीता जी के 3-4-5 श्लोक में, 5वें श्लोक में कि दुर्गा से प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये जीव को कर्मों के बंधन में फंसाए रखते हैं, मुक्त नहीं होने देते, शरीर में फंसाते हैं। अब यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा की वाणी, क्या बताती है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया, वाणी हमरी लहिए। अब परमात्मा की प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी करे कि परमेश्वर से मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ, कहते हैं बैदा क्यों जाना, सतगुरु मिल गए न्यू जाना, कबीर साहिब रूप परमात्मा स्वयं सतगुरु रूप में आए थे, मुझे मिले थे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्म राया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया, वाणी हमरी लहिए। हम जो कह रहे हैं हमारी इस वाणी को, वचन को लहना, लहना माने थोड़े को ज्यादा समझ जाना, बहुत ध्यान से गौर से सुनना, माने कहते मैंने लह ली थारी बात, तुम के बतलाओ थे, ऐसे बोला करते हैं हमारे यहाँ कि मैंने सारी बात लह ली तुम्हारी, तुम क्या कह रहे थे, यानी किसी जिक्र को दूर से भी आराम से बतला रहे हो और एकाग्रचित होकर ध्यान से सुन लेना, उनको कैच कर लेना, ये के बतलावे थे। तो कहते हैं हमारी जो वाणी है इसने समझ लो, बहुत सावधानी से समझो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया दुर्गा प्रकृति, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा, और ये काल है, इसको धर्मराय भी कहते हैं काल को, ब्रह्म को, इन पांचों मिल पर पंच बनाया, वाणी हमरी लई है, हमारी बातों पर जोर से गौर करना, इन पांचों मिल जीव अटकाए, जुगन जुगन हम आन छुटाए, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम, पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुर नर मुनिजन ज्ञानी, इत्या कुतो राना पाया, ये काल के बंधे प्राणी। होय होय पुणात्माओं, ये शब्द, ये वाणी जो अब दास आपको सुना रहा है, यदि ये अकेली सुना देता कि पीर पैगंबर कुतुब ओलिया और सुरनर मुनिजन ज्ञानी, ये ऋषि महर्षि जितने हैं, इत्या को तो रा नहीं पाया, इनको कोई ज्ञान नहीं मोक्ष मार्ग का, ये जम के बंधे प्राणी ही, ये काल के बंधे हैं जीव रूप में, फिर गधे बने, कुत्ते बने, सुअर बने। अरे आपने प्रत्यक्ष देख लिया, देवी भागवत स्पष्ट कर रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर हो गया कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और वह फिर दुर्गा की आराधना करते थे, वेदों में कहीं नहीं दुर्गा की पूजा का, श्रीमद् भगवत गीता में कहीं नहीं दुर्गा की पूजा की जानकारी, केवल ब्रह्म की और परम अक्षर ब्रह्म की साधना ही करने का प्रावधान और आदेश है, निर्देश है। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हर हट डोर बंदे सब आवे, ये कोटिक करता फिरता देख्या, हर हट डोर कहूं सुन लेखा, एक ना करता दो ना करता, नौ ठहराए भाई, दसवां भी धुंधर में मिल जा, सत कबीर दुहाई, बंदी छोड़ कबीर गुसाई, जिल मिल नूर दरवे झाई, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अब गरीबदास जी बता रहे हैं कबीर परमेश्वर जी ने मुझे ये ज्ञान दिया कि वो समर्थ हैं, बंदी छोड़ हमारा नामम, कबीर जी के विषय में कह रहे हैं गरीबदास जी के, कबीर परमेश्वर जी ने बताया था मुझे कि बंदी छोड़ है मेरा नाम, किस लिए, अमर करूं सतलोक ले जा पठाऊं, सतलोक भेज दूंगा तुम्हें, और ताते बंदी छोड़ कहूं, काल की कैद से छुड़वा दूंगा,
माया आदि निरंजन भाई अपने जाए आप खाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला जीव संज्ञा का है खेला। शिखर सुन में धर्म अन्यायी जिन शक्ति डायण मैल पठाई। लाख ग्रह सैनित उठ दूती माया आदि तकत की कूती। सवा लाख घड़ी नित भांडे हंसा उत्पत्ति पर ले डांडे। ये तीनों चेला बटपारी सरजे पुरुषा सरजी नारी। अब क्या बताते हैं परमेश्वर कबीर जी ने जो ज्ञान आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दिया था। परम पूज्य कबीर जी ने परमेश्वर कबीर जी ने वही अपना ज्ञान आदरणीय गरीबदास जी के अंतःकरण में फीड कर दिया, फैक्स कर दिया, डाउनलोड कर दिया। उसी ज्ञान के आधार से गरीबदास जी बता रहे हैं कि माया दुर्गा काल का पूरा सहयोग देती है और 1,00,000 प्रतिदिन जीवों को मार कर ब्रह्मा विष्णु महेश से सारा कार्य करवा रही है और फिर काल के पास भेज देती है और काल फिर खाता है। यहाँ बताते हैं माया आदि निरंजन भाई, ये आदि माया बोलते हो तुम जिसको, और यु ज्योत स्वरूपी निरंजन काल अपने जाए आप खाई। ब्रह्मा विष्णु महेश भी मरेंगे क्योंकि इनकी सीमा है, इनकी आयु सीमित है और नए ब्रह्मा बना कर ये पहले जन्म देकर अपनी घर पे अपनी पत्नी से दुर्गा से ये सुरक्षित रखता है, उनको कोमा में रखता है। और बाकी हम भी यहाँ जो स्थूल शरीर रूप पत्नी की संतान हो गए और हमें भी मार के खावे, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मार के खाता है, अपने पुत्रों को भी खाते हैं ये। माया आदि निरंजन भाई अपने जाए आप खाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला ओहंग सोहंग का है खेला। सुन शिखर में धर्म अन्यायी जिन शक्ति डायण मैल पठाई। ये स्वयं तो रहता सतलोक में, वो अपने इसने अलग से गुप्त स्थान बना रखा सबसे ऊपर, ब्रह्मलोक से भी ऊपर ये किसी को दिखाई नहीं देता। और दुर्गा को इसने यहाँ ब्रह्मांड के संचालन के लिए भेज रखा है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से अपना सारा कार्य करवा रही है। शिखर शून्य में सबसे टॉप, शिखर माने चोटी पे, ऊपर शून्य माने जहाँ कोई और नहीं हो। शिखर शून्य में ये धर्म अन्यायी, ये काल अन्यायी, ये अपने आप को धर्मराय कहता है लेकिन न्याय योग्यति नहीं करता, इसलिए इसको यहाँ अन्यायी कहा है परमात्मा ने। शिखर सुन में धर्म अन्यायी जिन शक्ति डायण मैल पठाई। लाख ग्रह सैन्य उठ दूती माया आदि तकत की कूती। सवा लाख घड़िए नित भांडे हंसा उत्पत्ति पर ले डंडे। सवा लाख तो रोज जन्म देते हैं ये दुर्गा के माध्यम से सब कार्य ब्रह्मा विष्णु महेश से, ये काल करवा रहा है तो ये या भी दोषी कर दी, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी दोषी बना लिया। अब परमात्मा इन सभी का विस्तृत ज्ञान दे रहे हैं कि 1,00,000 घड़िए नित भांडे, इन भांडा यानी इनको पात्र कहते हैं जिसमें ये जीव रहता है, ये कच्चा भांडा, ये कच्चा शरीर है, भांडा माने बर्तन। एक समय एक पुल्लो नाम की भगतनी थी, आसपास उसकी बहुत चर्चा होगी और राजा भी उस पुल्लो के पास जाने लग गया, उसका भगत बन गया। बांदियों के माध्यम से रानियों को पता चला कि एक पुल्लो नाम की बहुत ही अच्छी भगतनी है, आसपास बहुत उसकी चर्चा है, राजा भी वहाँ जाता है। अब उन्होंने सोचा, क्योंकि अपने दृष्टिकोण से सोचती हैं जिसकी जिसकी बुद्धि है, रानियों ने सोचा भी हमसे सुंदर ऐसी कौन औरत होगी जहाँ राजा वहाँ जाने लग गया। रानियों ने कहा कि अपने राजा से कि हम उस पुल्लो को देखना चाहते हैं। राजा ने कहा कि उनको यहीं बुला लेते हैं, यहाँ आ जाएंगी वो। अब राजा ने प्रार्थना की और सत्संग के लिए निमंत्रण दे दिया, वह पुल्लो माई आ गई। अब उसका तो जैसे एक चोल्हा पहन रही, अपना सिंपल से कपड़े धारण कर रखी, जैसे पहले मेले कुचले से होया करते थे, साधु संत भाव से रह रही थी और आगे आत्मा माला ले रही अपना जपती हुई।
उधर से रानियां ने, तीन चार रानी थी, उन्होंने अच्छे सारे गहने पर रखे, खूब सुंदर कपड़े डाल रखे हैं, खूब सज दज के सारे सारे श्रृंगार करें बैठी, नो दिखाने के लिए देखती हैं कौन सी सुंदर है, वो सुंदर है खम है, जिसकी बुद्धि जहाँ काम करती है वह उसी कीचड़ में रहता है। अब जब वो आई बेचारी, मनमाना दो दिन स्नान करे हो गया, वो राजस्थान की बात है, हाथ में माड़ा ले रही आ रही है, वह देख कर नो हाथ पीटे हैं, ए यह है वह पुल्लो, वह खूब आंसर दांदरे काट रहे हैं, और तेरेगी बता, हम तो पता नहीं ना, सोचा देख रहा कैसी सुंदर होगी, सारे चर्चा चल रही। तब पुल्लो क्या बोली, जो आभूषण पहन रखा था, अपनी देसी भाषा में इसको गहना बोलते हैं, गहना, पुल्लो ने अपनी लैंग्वेज में कहा कि गहना बाधा इस तन की शोभा, और यू तन काचो बांडो, और बिना भक्ति कुतिया बनोगी, राम भजो न रांडो। माइया की लैंग्वेज ना, माइये जाने के ऊपर समझाई जाया करें। तो उसने उनती सुना दिया कि तुम ये गहना पैर के आभूषण पैर के फूली समाओ हो, और यू तन काचो भांडो, यू काचा बर्तन है, ना जाने किस कारण से खत्म हो जाएगा, और बिना भक्ति कुतिया बनोगी, राम भजो न रांडो, के भक्ति कर लो नाला को, कहाँ बकवादा में बढ़ रही हो। ये संत लैंग्वेज में शरीर को भांडा कहते हैं। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी ने वही शब्द प्रयोग किया, इसलिए इसको क्लियर करने के लिए आपको समझाया। लाख ग्रह से नित उठ दूती, माया आद तकत की कुती है। अब क्या बताते हैं परमात्मा, कह रहे हैं गरीबदास जी बता रहे हैं परमेश्वर की महिमा और इस काल की स्थिति। एक लाख प्रतिदिन ये काल इस दुर्गा के माध्यम से, ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से 1,00,000 जीवों को खाता है, और इन्हीं से जन्मवाता है। जैसे रजगुण ब्रह्मा जी के उस गुण से हम प्रेरित होकर के संतानों उत्पत्ति करते हैं, विष्णु जी के सतोगुण के कारण हम एक दूसरे में बंधे रहते हैं, जकड़े रहते हैं, मोहित रहते हैं, इसको सतीथी बोलते हैं, और हमारे कर्म अनुसार ये हमारे संस्कार भी विष्णु जी देते हैं, और साथ में तमोगुण से भगवान शिव जी से हमारा संहार करा के ये 1,00,000 प्रतिदिन खाता है। उसके विषय में जानकारी दी है कि लाख ग्रास है, ग्रास माने खाना, लाख ग्रास है नित उठ दूती, माया आद तकत की कुती है, और 1,25,000 घड़िए नित भांडे, 1,25,000 नए शरीर मनुष्य के ये भांडे बर्तन प्रतिदिन 1,25,000 यानी 25% एक्स्ट्रा उत्पन्न करता है। जैसे 1,00,000 खाए तो 1,25,000 प्रतिदिन जन्म देता है। 1,25,000 घड़िए नित भांडे, भांडे माने बर्तन, जैसे कुम्हार भांडे बनाता, पंडे घड़े बनाता है, और अंसा उत्पत्ति परले डंडे, वह कहते इन जीवों को जन्म और मृत्यु के दंड से दंडित ये काल दुर्गा और ब्रह्मा विष्णु महेश मिलकर कर रहे हैं, अकेले ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं। ये तीनों चेला बटपारी, सरजे पुरुषा सरजी नारी, खोखा पुर में जीव बुलाए, सोपन बिस्त बैकुंठ बनाए, ये अरहट का कुआ लोई, यागड़ बंध्या है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा। अरहट डोर कहते हैं, रहट होता है एक कुएं के अंदर, एक कुआ खोद दिया जाता था सिंचाई के लिए, उसके ऊपर एक चैन डाल दी जाती थी, एक पुली बनाई जाती थी, पुली की आगे एक लकड़ की लंबी लाठ ले जा करके उसमें कोल्हू की तरह बैल जोत दिए जाते थे, बैल उस पुली को घुमाते थे, और चैन के ऊपर बाल्टियां वेल्ड होती थी। ये देखिएगा थोड़ा सा सीन दिखाते हैं, वो उसको अरहट कहते थे। ये अरहट का एक चित्र है, जैसे ये कुआ है नीचे, ये इसकी एक एलिवेशन दिखा रखी है, यहाँ तक इसमें जल है, और ये एक पुली है, पुली के ऊपर एक चैन लटका रखी है, इसका बाल्टी वेल्ड कर रखी है, तो नीचे से पानी भरकर आता है, ऊपर यहाँ खाली हो जाता है, इधर सिंचाई के लिए जाता है। तो कहने का भाव यह है कि नीचे शुभ अशुभ कर्म करते हैं प्राणी, ऊपर स्वर्ग में और नरक में खाली करके फिर खाली बाल्टी आती है, फिर भरते हैं, फिर खाली होते हैं, फिर भरते हैं, फिर खाली होते हैं। ये अरहट का कुआ लोई, यागड़ बंध्या है सब कोई, यानी जन्म मृत्यु रूपी ये अरहट है,
यहाँ से शुभ अशुभ इकट्ठे किए, स्वर्ग में चले गए, वहाँ खाली किए, स्वर्ग में पुण्य, नरक में पाप, फिर 84 लाख योनियों में अलग से रह गए। ये अरहट का कुआ लोई, यह गड़बंध्या है सब कोई। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी जन्म मृत्यु इस रैठ के कुएं में बंधे हुए हैं। कीड़ी कुंदर और अवतारा हर हट डोर बंधे कई बारा, होए अरब अलिल इंद्र है भाई, अरहट डोर बंधे सब आई, शेष महेश गणेश वरताही, इस जन्म मृत्यु की डोरी ते बंधे सब आई, शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा, हर हट डोर बंधे सब खेवा, ये कोटिक करता फिरता देखा, हर हट डोर कहूँ सुन लिखा, ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, ये भी जन्म मरण में निश्चय आए। परमात्मा बंदी छोड़ इसलिए हम याद दिलाते हैं कि जो साधना हम बताते हैं उसको कीजिए, तुम्हारा जन्म और मृत्यु का रोग सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं सतलोक में तुम्हें पूर्ण मोक्ष प्राप्त होगा। सत सह आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।